हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस कैरेट शीट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इस केक को कवर करेंगे एक रिच क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग के साथ। गाइस, ये केक बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका टेक्सचर एकदम सुपर मॉइस्ट रहता है। सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें होममेड बटर मिल्क प्रिपेयर करना है, जिसके लिए 50 ml मिल्क में मैंने 1 टेबलस्पून फ्रूट विनेगर ऐड किया है। ये एप्पल साइडर विनेगर मैंने ऐड किया है। इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अब हमें प्री हीट करना है अपने ओवन को, तो उसके लिए मेरे पास 52 लीटर्स का OTG है, जिसे मैं दोनों रॉड्स को ऑन करके यानी कि टोस्ट मोड पर 170 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। 9 इंच का स्क्वायर बेकिंग पैन लेंगे और उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। उसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर को प्लेस करेंगे, जिससे कि केक रिमूवल में हमें आसानी रहेगी। अब हमें एक ड्राई मिक्सिंग बोल लेना है, जिसके ऊपर हम एक छलनी प्लेस करेंगे। उसमें मैंने ये ऐड किया है मैदा, ये मैंने अनब्लीच्ड मैदा यूज़ किया है। कटोरी में थोड़ा सा मैदा हम छोड़ लेंगे, ये ऐसे 2 चम्मच मैदा मैंने रहने दिया है। उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नटमेग पाउडर, सिनेमन पाउडर, सॉल्ट, ये सभी चीज़ें ऐड करेंगे और आपस में इकट्ठे छान लेंगे। वैसे इन सभी इंग्रेडिएंट्स की एक परफेक्ट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठे छान ली हैं। अब इस बॉल को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। नट्स के लिए यहाँ मैंने पिकॉन्स यूज़ किए हैं और इन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जो बचा हुआ फ्लावर था ना एक बाउल में, उसको हम नट्स में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे होता क्या है कि जब ये अब केक मिक्स में जाएगा, तो बेकिंग के टाइम पिकॉन्स केक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें 2 eggs ऐड करेंगे। eggs यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर के लिए हैं। इसके बाद इसमें जाएगी सॉफ्ट ब्राउन शुगर, कास्टर शुगर, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल इसमें ऐड करेंगे, मैंने कनोला ऑयल यूज़ किया है, प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे होममेड बटर मिल्क। इन सभी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 30 से 40 सेकंड तक मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे। उसके बाद बीटर्स को रोक देंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्स को 3 portions में धीरे धीरे करके हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। ये फर्स्ट पोर्शन मैंने ऐड किया है, जस्ट कंबाइन होने तक इसे लो स्पीड पे बीट करना है। उसके बाद सेकेंड बैच जाएगा, इसे भी बस लो स्पीड पे कंबाइन होने तक हमें 5 से 7 सेकंड तक बीट करना है। और उसके बाद फाइनली थर्ड बैच भी हम इसमें ऐड करके और कंबाइन होने तक लो स्पीड पे बीट करेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, वरना ग्लूटेन फॉर्मेशन हो जाएगा मैदे में और केक हमारा हार्ड बनेगा। बीटर्स को रिमूव कर देंगे और ये पिकॉन्स को भी हम इसमें ऐड करेंगे और एक स्पैचुला की मदद से साइड्स और बॉटम को स्क्रेप करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर देंगे। अब इसमें फ्रेश ग्रेटेड कैरेट्स ऐड करेंगे और इसे भी हम बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारे रेडी है, अब इस बैटर को हम अपने प्रिपेयर्ड टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। स्पैचुला की मदद से बैटर को पैन के चारों कोनों में स्प्रेड करेंगे और उसको इवन आउट कर लेंगे। एक दो बार बेकिंग टिन को ऐसे टैप करेंगे और अब इसे 35 से 40 मिनट्स तक 170 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे। ये देखिए, केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। अब इसकी डननेस को चेक करने के लिए एक टूथपिक बिल्कुल मिडल में हम इसे इंसर्ट करेंगे। टूथपिक क्लीन है, मतलब केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे, पैन के अंदर ही इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अब इस केक को टॉप करने के लिए क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, ये बटर एकदम सॉफ्ट टेक्सचर का होना चाहिए। 2 मिनट तक इस बटर को मीडियम स्पीड पे बीट करना है। हमें इंश्योर करना है ये एकदम पेल कलर का हो जाए, जिससे हमारी फ्रॉस्टिंग एकदम बढ़िया बने। बीटर्स को रोक देंगे और अब इसमें जाएगा फुल फैट क्रीम चीज़। यहाँ क्रीम चीज़ हम फ्रिज से निकाला हुआ ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे भी हम 1 मिनट तक मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे। ये देखिए, एकदम स्मूथ हो जाएगा बटर और क्रीम चीज़ आपस में जब उसे हम बीट करेंगे। अब यहाँ पे हम बीटर्स को फिर से रोकेंगे और इसमें जाएगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के बारे में 2 बातें मैं आपको बता दूँ। एक तो ये पाउडर्ड शुगर नहीं होती है, आइसिंग शुगर और पाउडर्ड शुगर दोनों अलग चीज़ें होती हैं। और दूसरा, जब भी आप आइसिंग शुगर को यूज़ करें, ऐसे छान के ही यूज़ करें, क्योंकि उसमें बहुत ही लम्स होते हैं। अब लास्ट में इसमें जाएगा प्योर वेनिला एक्सट्रैक्ट
और बस इसे डालने के बाद अब हम लो स्पीड पे बीटर से इस पूरे मिक्सचर को बीट करेंगे, जब तक कि आइसिंग शुगर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है बटर और क्रीम चीज़ में। हमें स्पीड को लो रखना है और उसके बाद बस हम मीडियम स्पीड पे इसको 7-8 सेकंड्स तक बीट करेंगे। बस अब बीटर्स को रोक देंगे और ये देखिए कितनी स्मूथ और क्रीमी हमारी ये फ्रॉस्टिंग तैयार हुई है ना। केक भी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इस डिलीशियस सी फ्रॉस्टिंग को हम अपने केक पे स्प्रेड करेंगे और अच्छे से इवन आउट कर देंगे। 4 से 6 घंटे तक अब हमें इसे फ्रिज में रखना होगा और सर्विंग के टाइम ही इसको फ्रिज से बाहर निकालें। एक शार्प नाइफ की मदद से हमें इसके क्लीन स्क्वायर्स कट करने हैं और हर लेयर की क्लीन स्क्वायर अगर हम कट करना चाहते हैं तो हर एक कट लगाने के बाद हमें नाइफ को टिश्यू पेपर से इस तरीके से क्लीन करना होगा। तो ये देखिए घर बैठे कितना एग्जॉटिक सा डेजर्ट हमारा तैयार हो गया है ना। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग।